हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यहाँ हम क्लास 9 का आरबीएसई बोर्ड का साइंस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 हमारा चल रहा है सेल। ठीक है, और सेल के पार्ट 9 तक हमने स्टडी कर लिया है। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट 10th। ठीक है, और आज का बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस। ध्यान दे करके सब बच्चे समझेंगे। देखिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने ये एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया। इसमें हमने क्या किया है कि एक ये हमने बड़ा चैम्बर ले लिया, इसको 2 चैम्बर में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको ये इसको 2 इसको चैम्बर में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो बीच में हमने लगाया है, जिस डिवाइडर है, ये हमने ले लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमने एक सेमी परमिएबल लगा करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा करके दोनों सॉल्यूशन को इसमें हमने इसको 2 चैम्बर में डिवाइड कर दिया। और इस वाले चैम्बर में हमने ले लिया है सॉल्यूशन, यानी कि इसमें हमने ले लिया सॉल्यूशन। आप कुछ भी ले सकते हैं, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हैं, या फिर वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने ले लिया सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या होंगे? इसमें हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स, जो कि जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूट यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है विलेय। ठीक है, इसमें विलेय के मॉलिक्यूल्स हो गए। और दूसरा हमने क्या लिया है इसमें? वाटर। ठीक है, हमने इसमें ले लिया वाटर, जो कि क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, और जिसको हिंदी में बोला जाता है विलायक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शुगर और वाटर का इसमें सॉल्यूशन ले लिया। आप ये समझिए कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने ये वाटर के मॉलिक्यूल्स और ये शुगर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, ये वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये हमने सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है ना, सॉल्यूशन यानी कि हमने क्या लिया बच्चों? विलयन। ठीक है, चीनी और पानी का हमने क्या ले लिया है? सॉल्यूशन यानी कि विलयन ले लिया है। दूसरे साइड में हमने क्या लिया? यहाँ हमने केवल वाटर ले लिया है। ओके, केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हमने क्रॉस से दिखाया था, तो यहाँ पर हमने केवल ले लिया ये वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इन दोनों का अमाउंट, ये इधर का जो हमारा सॉल्यूशन है, सपोज करिए उसको हमने 1 लीटर लिया है, तो इधर वाला जो सॉल्यूशन है, इधर वाला जो सॉल्वेंट है, इसको भी हमने 1 लीटर ही ले लिया है। ठीक है, तो 1 लीटर का सॉल्वेंट इधर लिया है, 1 लीटर का हमारा लिक्विड इधर है, 1 लीटर का लिक्विड इधर है, और दोनों को हमने सेपरेट कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है, अब इसमें हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑटोमेटिक अपने आप होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कल हमने पढ़ा था पैसिव। ठीक है ना, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि बिना विदाउट वेस्टिंग एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और स्लो धीरे धीरे ये प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। कैसे होगा? अब इसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें मूव करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, सॉल्वेंट, कल हमने क्या देखा था? डिफ्यूजन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। अब यहाँ 1 लीटर में, यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो 1 लीटर में केवल ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही हैं, और यहाँ हम 1 लीटर अगर देखते हैं सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी हैं और साथ में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी हैं, यानी कि चीनी भी है और पानी भी है। ठीक है, तो 1 लीटर में इसमें दोनों है, चीनी और पानी, और यहाँ पर 1 लीटर केवल पानी है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर हमको ज़्यादा मिलेंगे? जाहिर सी बात है, इधर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 लीटर में पूरा का पूरा पानी ही है। तो अब क्या होगा कि वाटर यानी कि सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ ये हाई है, इसकी मात्रा जहाँ ज़्यादा है, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर चलना शुरू करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। ठीक है ना, तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इधर वाले पार्ट से, इस चैम्बर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के जाना शुरू करेंगे, और ये तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे चलता रहेगा। ये जो हमारा प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस में पहली बात, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। दूसरी बात, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है।
ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आपका। तो हमने ये देखा कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन क्या होता है ये हमने देखा, और ऑस्मोसिस प्रोसेस बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह। अभी हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल में आपको जब इस ऑस्मोसिस के टाइप्स बताऊंगी तब दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारा प्रोसेस ऑस्मोसिस हो गया, एकदम वापस से क्लियर रखिएगा क्योंकि इसको मैं अब्रप करूंगी, आगे पढ़ाऊंगी, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूव कौन कर रहा है, चल कौन रहा है, सॉल्वेंट, ठीक है, और किधर से किधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है, और किससे होकर के जाएंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के जाएंगे, ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा ऑस्मोसिस। ओके, यही आपको मैं एक और बात बता दूँ, जब ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जब इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं, तो जब ये यहाँ से होकर के जाते हैं, तो इसके जैसे ही ये इसमें से होकर के इस सॉल्यूशन में प्रवेश करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ये इनके आने को अपोज करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं कि नहीं नहीं आना है ना, रोकते हैं कि तुम उधर वाले हो तो उधर वाले में रहो, इधर नहीं आना है, ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने का प्रयास करते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए इधर वाला जो सॉल्यूशन है वो एक प्रेशर लगाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर ही, ठीक है ना, यहाँ से होकर के जा रहा था, यही एक प्रेशर लगा करके उसको रोकने की कोशिश करता है, और जितना प्रेशर अपोजिट सॉल्यूशन, वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट सॉल्यूशन जितना प्रेशर इस पर लगाता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ओपी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। प्रोसेस चल रहा है हमारा ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के का प्रोसेस बंद हो जाए ना हो, ठीक है ना, इसके अपोजिट में ये सॉल्यूशन जितना प्रेशर लगाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर वो कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है ये टू टाइप्स में होता है, ये प्रोसेस ऑस्मोसिस को आप डिवाइड कर दीजिए टू पार्ट में। पहला हो गया हमारा एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा हो गया हमारा एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस दोनों को एक एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोऑस्मोसिस। हमने क्या किया कि हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने रेजिन यानी कि अंगूर, है ना, रेजिन यानी कि किशमिश, हमने इसमें किशमिश डाल दिया, ठीक है, और इस कंटेनर में बाहर में हमने क्या ले लिया, पानी, ठीक है। आप क्या करते हैं, किशमिश को रात में भिगो देते हैं पानी में, और सुबह उठ करके उसको किशमिश को जब देखेंगे तो किशमिश कैसा दिखेगा, ये अब दिखेगा कैसे, ये हमको किशमिश, ये आप जब इसको मॉर्निंग में देखेंगे, आपने इसको भिगो दिया है दो चार घंटे के लिए छोड़ दिया, जब मॉर्निंग में देखेंगे तो इस तरीके से जैसे ये श्रिंकल दिखाई दे रहा है ना, कि ये पूरा ऐसे सिकुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से ना दिख करके हमको ये किशमिश सब ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए, अब किशमिश के अंदर में हमको उसमें मिठास तो दिखती है ना, अंदर में शुगर सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन तो है अंदर में जिसकी वजह से उसका टेस्ट होता है, लेकिन वो सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो गया है। कॉन्सनट्रेट का मतलब होता है बहुत गाढ़ा हो गया है, तो सॉल्यूशन बहुत कॉन्सनट्रेट है, और बाहर में हमने क्या लिया है, पानी लिया है, यानी कि इस अंगूर को उठा करके हमने पानी में डाल दिया है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं, जस्ट अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वही सेम चीज़ वही यहाँ पर भी होगा। दो सॉल्यूशन हमको मिला, एक बाहर में हमको मिल रहा है ऐसा सॉल्यूशन, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर वन है, सॉल्यूशन नंबर, आप इसको सॉल्यूशन नंबर वन कह दीजिए, जिसमें कि वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा को मैं ऐसे एरो से दिखा रही हूँ। और दूसरा हमारा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, किशमिश के अंदर, किशमिश के अंदर भी हमारा सॉल्यूशन नंबर टू है, जिसमें कि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है पानी, और यहाँ पर भी है सॉल्यूशन, मिठास कुछ है इसके अंदर, लेकिन इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है। और इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, जो ये किशमिश का जो छिलका है, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन का काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये काम करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। और सेम वही ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा जो जस्ट अभी हमने अभी देखा, कि सॉल्वेंट क्या करेगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना शुरू करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है,
ठीक है। तो यहाँ से ये जाना शुरू करेगा, देखिए वाटर यहाँ से अंदर की तरफ ये जाना शुरू करेगा, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, अंदर की तरफ जा रहा है। सभी चीज़ें इसमें हैं, दो सोल्यूशन है, दोनों में वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, हाई और लो है, और दोनों को सेपरेट करता हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये तीन ही चीज़ चाहिए हमको ऑस्मोसिस के लिए, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल गई तो ऑस्मोसिस प्रोसेस अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ये वाटर जो है ये अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा, यानी कि ऑस्मोसिस होना शुरू कर देगा। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि यहाँ पर पानी का है ना वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ और वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ, दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, इक्वल बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस ऑस्मोसिस चलता ही रहेगा। अभी ऑस्मोसिस किधर की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए इस ऑस्मोसिस को हम बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस, ये फर्स्ट वाला, ठीक है ना, एंडो ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है लेकिन ये अंदर की तरफ हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एंडो ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, एक चीज़ और, यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि दोनों में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ये कैसे होगा मैम, बाहर में तो कटोरे में बहुत ज़्यादा पानी है और अंगूर किशमिश जो है वो तो छोटा सा है, उसके अंदर पानी कितना जाएगा कि दोनों जगह वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है ना कि पूरे पानी, पूरी वाटर मॉलिक्यूल्स इतने सारे हैं और इसके अंदर छोटा सा अंगूर है, उसके अंदर किशमिश है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, ऐसा नहीं। हम एक एरिया की बात करेंगे कि एक अंगूर के अंदर जितना वाटर होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन, और बाहर में उतना ही अंगूर के बराबर ही पानी को आप देख लीजिए, मैच करा लीजिए, तो इसके बाहर में यानी कि सिर्फ देखिए हम बात कर रहे हैं इस किशमिश के अंगूर, सॉरी बार बार अंगूर में आ जाए किशमिश, ये किशमिश जो है रेजिन जो है इस किशमिश के अगल बगल में है ना, यानी कि इसके आउटर में यहाँ पर जो पानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन वाटर मॉलिक्यूल्स का, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा, इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। तो अंदर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये इसका अपने आउटर सरफेस से कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, मतलब उधर उधर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी उतने ही डिस्टेंस पर बिखरे हुए हैं, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, यानी कि रुकता नहीं है, इक्विलिब्रियम में चला जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस हमने देख लिया। यहाँ एक और चीज़ हम देखेंगे, देखिए हमने बाहर क्या देखा कि बाहर में जो है वो क्या है हमारा, हमने इसमें ले लिया था वाटर, ठीक है, लेकिन वाटर एकदम प्योर वाटर तो होता नहीं है, जिस पानी में हम भिगोते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट वगैरह होते हैं, इसलिए हम उसको वाटर ना कह करके हम उसको सोल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो पानी हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें सॉल्ट वगैरह होते हैं तो वो सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो सोल्यूशन नंबर वन है ये क्या है, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट यानी कि यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जो अंदर वाला है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, गाढ़ा है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा कम है। तो जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, दो सोल्यूशन की तुलना करने पर जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इस डाइल्यूट सोल्यूशन को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन जो है ये कहलाएगा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, और जो कॉन्सेंट्रेट होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम हैं वो कहलाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आगे आप देखेंगे कि टॉनिसिटी के अकॉर्डिंग भी सोल्यूशन कितने तरीके का होता है, तो तीन भागों में बांटा गया है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। बस आप ये समझिए कि हाइपरटोनिक क्या होता है ना, जहाँ पर हाइपोटोनिक वो हो गया जहाँ पर दो अगर हमने सोल्यूशन रख दिया है तो दोनों सोल्यूशन में से जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है वो हाइपो कहलाएगा, जहाँ पानी की मात्रा कम है वो क्या कहलाएगा, हाइपर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक भी बता दिया। आप अगर ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस को बताना चाहते हैं तो आप इन सोल्यूशन का नाम लेते हुए भी बता सकते हैं कि हमने दो सोल्यूशन ले लिया है, एक सोल्यूशन हमने ले लिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन और दूसरा उसको हमने रख दिया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, तो हाइपोटोनिक से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए ये हाइपरटोनिक वाले सोल्यूशन में जाना शुरू करते हैं, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। और ये प्रोसेस चूंकि अंदर की तरफ इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, डायरेक्शन उसका अंदर की तरफ है तो अंदर वाले डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो आप हाइपर और हाइपो का नाम लेते हुए भी बता सकते हैं। ये हमने देख लिया एंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। देखिए हमारा एक्सो ऑस्मोसिस, जब हम अचार बनाते हैं, ठीक है, या मुरब्बा बनाते हैं तो
अब मान लीजिए ये अचार है ना, पिकल है, ठीक है, अचार हम ले लिया। अचार में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उसमें नमक डाला जाता है, उसमें ऑयल डाला जाता है ताकि अचार ख़राब ना हो, ठीक है, बहुत दिन तक अचार चल जाए, ख़राब ना हो। और ज़्यादातर अचार को देखिए यूज़ किया जाता है बहुत दिनों तक, लंबे टाइम तक इस्तेमाल किया जाता है, वो ख़राब होता भी नहीं है। क्या होता है उसके अंदर जो अचार ख़राब नहीं होता, बाकी दाल हमने बनाया, सब्ज़ी हमने बनाया, उसको हम बाहर रख देते हैं, वो तुरंत ही ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। एक दिन मतलब हम एक दिन जो बहुत ज़्यादा घंटे तक उसको हम नहीं रख सकते, और जबकि अचार जो है उसको लंबे टाइम तक रखा जा सकता, कई महीनों तक रख करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये अचार है इसमें हमने सॉल्ट और ऑयल का अमाउंट बहुत ज़्यादा करके इसको क्या कर दिया है, इस अचार को क्या कर दिया हमने, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर दिया है, कॉन्सनट्रेट, ठीक है ना। ये जो अचार के अंदर का जो सोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने क्या कर दिया है, कॉन्सनट्रेट कर दिया है, ठीक है। कॉन्सनट्रेट का मतलब किस तरीके का सोल्यूशन हमने बना दिया, अभी आप सोल्यूशन के हिसाब से देखिए, तो इसको हमने क्या कर दिया, हाइपर टॉनिक, ठीक है ना, इस सोल्यूशन को हमने हाइपर टॉनिक सोल्यूशन बना दिया। अब ख़राब होने की बात करते हैं। अब कोई जर्म्स अगर अंदर एंटर करता है ना, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, वही आएंगे जो अचार को ख़राब करेंगे। जो बाहर सब्जी वगैरह रखी जाती है उसमें भी यही होता है ना, कोई बैक्टीरिया फंजाई ये आ जाते हैं, यीस्ट सेल वगैरह आ जाते हैं, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब इसमें मान लो कि एक इसके अंदर सपोज करिए कि ये यीस्ट सेल प्रवेश कर रहा है अंदर, है ना, ये यीस्ट सेल है, ये प्रवेश किया यहाँ से आया, हा, चलो यहाँ पार्टी करते हैं, ठीक है। जैसे ही वो अंदर आता है ये अचार में, सोचता है कि यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, अचार को ख़राब करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे धीरे धीरे और इसी में रहेंगे, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, अचार ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये अचार ख़राब करने के लिए नहीं आते हैं, ये तो अपना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए आते हैं, अपने खाने पीने का जगह बना रहे हैं, पार्टी के लिए आते हैं। अब ये जैसे ही अंदर आता है तो ये क्या है, एक सेल का बना होता है, ठीक है ना। सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है। यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि सॉल्वेंट, वाटर मतलब सॉल्वेंट, यहाँ पर हमको सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, वाटर ज़्यादा है। अचार में तो हमने बहुत सारा नमक और तेल मिला करके क्या कर दिया है कि इसको हमने कॉन्सनट्रेट कर दिया, यानी कि यहाँ पर वाटर का अमाउंट हमने क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया है, तो पानी लगभग है ही नहीं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा है, यानी कि ये किस तरीके का सोल्यूशन है, ये हमारा बन गया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। ये इसको हमने बना दिया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बाहर क्या है हमारा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स चलना शुरू करते हैं और ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाते हैं जब तक कि दोनों साइड में वाटर का अमाउंट, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। अब यहाँ से क्या होगा, वाटर इसमें से, इसके प्रोटोप्लाज्म से, इसके सेल के अंदर से, प्रोटोप्लाज्म से वाटर चलना शुरू करता है और इसका जो ये मेम्ब्रेन है ये काम करेगा, यानी कि इसका जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक सेल का बना हुआ है तो सेल मेम्ब्रेन इसका ये है, जो इसका ये सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ का काम करेगा, ये काम करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, ठीक है। अब यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकलना शुरू करेगा और ये यानी कि ऑस्मोसिस शुरू हो गया और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों साइड का वाटर इक्वल ना हो जाए। इक्वल तो नहीं हो पाता है लेकिन ये जो जर्म्स है, जो भी यहाँ अंदर आया है सेल, ये इस सेल का सारा वाटर निकल जाने की वजह से इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल ऐसे बीच में आ जाता है। जितने भी उसमें सेल ऑर्गेनल्स थे उन सब में, मतलब वो सब अब एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म, हम कहेंगे कि प्रोटोप्लाज्म से वाटर निकल गया तो प्रोटोप्लाज्म जिंदा नहीं रहता है। प्रोटोप्लाज्म मर गया तो इसके अंदर का जो भी ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होता है वो सारे भी डेड हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो जर्म्स है ये किल हो जाता है और इसकी डेड बॉडी यहीं अचार में पड़ी रहती है और उस अचार को का टेस्ट और बढ़ाती रहती है। जितना पुराना अचार होता जाएगा उतना टेस्टी होता जाएगा, तो उसमें जितने भी जर्म्स आते हैं वो सारे के सारे टेस्ट ही नहीं बनाते हैं। मैं यूँ ही बोल रही हूँ, जितने भी जम्स आते हैं उन सारे जम्स में यही होगा कि क्या होगा कि इसमें से सारे, इसके प्रोटोप्लाज्म से सारा वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में हो रहा है, बाहर के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ये एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, बाहर की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है यानी कि एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है और एक्सोऑस्मोसिस होता ही जाएगा। जम्स आए एक्सोऑस्मोसिस होगा, जम्स आए एक्सोऑस्मोसिस होगा। हम अचार के बीच में भी हम क्या करते हैं कि जैसे चार महीने रखने के बाद थोड़ा सा हम ऑयल सॉल्ट और डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं, उस वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन ये हमेशा ही हाइपरटॉनिक सोल्यूशन ये बना रहता है, ठीक है। तो ये हमने देखा एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है ना। और साथ में हमने तीनों टॉनिसिटी के अकॉर्डिंग हमने सोल्यूशन देख लिया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। अब एक और है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए कि हमने एक लिया है ये सोल्यूशन, है ना, हमने पानी ले लिया, इसमें हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया,
इतना ही मिठास किया है इसके अंदर जितना कि अंगूर में मिठास होता है, ठीक है ना। अब इस अंगूर को उठा करके हम इस सोल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। ये भी सोल्यूशन है, चीनी और पानी का सोल्यूशन है। अंगूर जो है उसके अंदर भी यही है, चीनी और पानी है, ठीक है ना। तो अंगूर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मान लो कि अंगूर के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो बाहर जो हमने सोल्यूशन तैयार किया थोड़ा सा चीनी डाल करके, उसमें भी हमने 10 वाटर मॉलिक्यूल्स का ही रखा है। दोनों साइड में हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या मिल रहे हैं, इक्वल, ठीक है। जब दोनों साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे तो ऐसा सोल्यूशन कहलाता है आइसोटॉनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब होता है एक जैसा, है ना, तो ये आइसोटॉनिक सोल्यूशन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आइसोटॉनिक सोल्यूशन यदि हो जाए, यानी कि दोनों सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यदि इक्वल हो जाए, ठीक है, तो ऑस्मोसिस होता है क्या? तो हम बताएंगे कि नहीं, यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस केवल उसी कंडीशन में होता है जब हम दो सोल्यूशन लेते हैं और दोनों सोल्यूशन के बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दोनों सोल्यूशन डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, और दोनों सोल्यूशन में हमको सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पर डिफरेंट मिलता है तो ही ऑस्मोसिस होता है। वाटर अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है और तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि दोनों में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं होगा जब ये सोल्यूशन हमने आइसोटॉनिक कर दिया, ठीक है। तो ये आइसो, इसमें आप देखिए बच्चों, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा पेज नंबर 85 पर आपको मिलेगा, 84 और 85 पर, ठीक है। अब इसमें आपके एक दिया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, वो मैं आपको कल बता दूंगी। उसके बाद डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में जो डिफरेंस दिया है ये मैं कल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसके बाद आपको दिया था ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल, है ना, उसके अकॉर्डिंग हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिया है जो कि मैंने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस दिया हुआ था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है और इसके टाइप्स वगैरह ये सब हमने देख लिया, तो अब बहुत ही ईजी रहेगा हमारे लिए। डिफ्यूज़न भी हमने पार्ट 9th में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया था, ऑस्मोसिस हमने अभी देख लिया, तो अब दोनों में डिफरेंस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो डिफरेंस हम और कल देख लेंगे। और आपके बुक में जो दिया गया है एक प्रैक्टिकल ऑस्मोसिस का करके दिखाया है कि किस तरीके से हम लैब में इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ऑस्मोसिस हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे जनरल में तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, जनरल में तो हमारे मतलब घर में कितनी चीज़ें, जैसे हम कोई चीज़ भिगो देते हैं, है ना, हमने सोयाबीन के बीज भिगो दिए या कुछ भी भिगो दिया कि उसको हमको सुबह बनाना है तो वो फूल जाता है, चने हम भिगो देते हैं, बादाम हम भिगोते हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाता है। किसकी वजह से? ताकि, क्योंकि वाटर उसके अंदर एंटर किया हुआ है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है। तो एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ में देखते हैं। अगर आप काउंट करना शुरू करेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे आपको एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के एग्जांपल मिल जाएंगे, आपको अपने इर्द गिर्द ही मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपके घर में ही। लेकिन इसमें आपके जो प्रैक्टिकल में दिया है वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।